नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्राइड राइस की रेसिपी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। यहाँ हमने चॉप टमाटो, ऑनियन एंड कैप्सिकम और ब्रोकली ले ली है और थोड़ी सी चिली, हम थोड़ी सी ग्रीन चिली डालेंगे। अब गाइस हम इसी जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा इसे घुमा लेंगे। आप चाहे तो चॉप जिंजर और गार्लिक भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे ऑनियन ऐड करेंगे। अब इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन फ्राई नहीं करना है, हमें इसे नॉर्मली फ्राई करना है। अब इसमें हम कैप्सिकम ऐड कर लेंगे। अब थोड़ा सा टमाटो, गाइस हम इसमें ब्रोकली ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आप स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं और बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। बीन्स बहुत ज़्यादा बेटर रहती है, तो आप बीन्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल होते हैं। मेरे पास बीन्स थी तो मैंने ऐड नहीं किया, तो आप इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हो। अब इसे हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे, लाइट, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें हमें सब्ज़ी नहीं बनानी है, तो इसे हम लाइट सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हमने यहाँ पे और राइस को बॉइल्ड कर रखा है, तो अब इसमें हम बॉइल्ड राइस ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने यहाँ पे बॉइल्ड राइस ऐड कर रहे हैं। अब गाइस हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है आपके पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे चिली सॉस ऐड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसे मिक्सअप कर लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा टमाटो सॉस ऐड कर रहे हैं, जो टेस्ट को और भी ज़्यादा अच्छा करेगी। तो यहाँ हम टमाटो सॉस ऐड कर रहे हैं, आप भी ऐड कीजिएगा। सो, ये हमारा रेडी हो चुका है फ्राइड राइस, होममेड फ्राइड राइस। तो आप भी इसे घर बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी है। थैंक यू गाइज़।